हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप? होप दैट सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑयल पम्प, जनरल कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ऑयल पम्प का और काम कैसे करता है और ज़रूरत क्या होती है, ठीक है, नीड क्या है इसकी, क्यों गाड़ी के अंदर रखा जाता है, कोई भी व्हीकल्स के अंदर ऑयल पम्प की क्या ज़रूरत होती है। तो एक छोटी सी कोशिश है हमारे आपके पास एक नॉलेज पहुँचाने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने की, चाहे वो ऑयल पम्प्स हैं और जितने भी इंजन पार्ट्स होते हैं, एवरीथिंग अपडेट फॉर एवरीथिंग के अच्छे से अच्छा नॉलेज हम आपको दे सकें। तो ये एक ऑयल पम्प है और ऑयल पम्प ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एक डीजल इंजन का ऑयल पम्प है और ये आप देख रहे हो इसको ऊपर की साइड से, ये अप साइड है इसकी जो ऊपर की साइड दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैक प्लेट है इसकी, ये आप दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दो माउंटिंग्स दी गई है, इस माउंटिंग्स के द्वारा ये क्या होता है, इंजन के फ्रंट साइड में फिट हो जाता है और ये जो गियर है ये गियर लेता है आपका क्रैंक शाफ्ट गियर के थ्रू ड्राइव लेता है। तो क्रैंक शाफ्ट आप जानते हो, मैं आपको बाद में भी वीडियो में बता दूंगा, अगर नहीं जानते हो तो क्रैंक शाफ्ट जब घूमती है तो जो एक आउटपुट मिलती है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, वही सेम आउटपुट इसके ऊपर चलती है इस गियर के द्वारा, तो वहाँ से ये ड्राइव लेता है। ये गियर टाइप ऑयल पम्प है। ऑयल पम्प भिन्न भिन्न टाइप के होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ ऑयल पम्प, जैसे आपका गियर टाइप ऑयल पम्प हो गया, वेन टाइप ऑयल पम्प हो गया, रोटर टाइप ऑयल पंप हो गई या फिर वैक्यूम टाइप ऑयल पंप हो गई। तो तरह तरह के आज के जो भी न्यू जनरेशन ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर तरह तरह के ऑयल पंप्स यूज किए जाते हैं। तो ये एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक गियर टाइप ऑयल पंप, बाकी ऑयल पंप सभी एक ही काम करते हैं। ऑयल पंप का मेन काम होता है इंजन ऑयल को सर्कुलेशन कराना आपके इंजन के अंदर। और ऑयल कहाँ से लेता है, इसका काम होता है इंजन सम्प के अंदर से, जो इंजन ड्रेन होता है उसके अंदर से ऑयल को लेता है और आगे सिस्टम में भेजता है, जिसके द्वारा जो भी हीट प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर वो कम होती है और इंजन को एक एफिशिएंसी मिलती है और आगे चलने के लिए उसमें एक ताकत मिलती है। जो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी कम होती है, साथ ही साथ एक लुब्रिकेशन कंटिन्यूस बना रहता है, एक लेयर बनती है ऑयल्स की जो क्या करता है कि जो कि मिनिमम गैप्स होता है इस पे पार्ट्स के अंदर वो उसको दूर करती है। तो ये एक ऑयल पंप का काम होता है, एक फंक्शन होता है। ये देखो इसका एक नंबर होता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ऑयल पंप का नंबर है, बैक प्लेट पे पड़ा हुआ है। तो भिन्न भिन्न टाइप के अलग अलग टाइप के ऑयल नंबर आते हैं, ऑयल पम्प आते हैं जो अलग अलग नंबर से डोनेट किए जाते हैं। तो ये एक ऑयल पंप है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें आप ये देख रहे हो, एक तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है और एक आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये दो कनेक्शंस दिए गए हैं, ये जब फिट होता है कि ये इसका मैं बता रहा हूँ आपको, तो जब ये ऐसे फिट होगा तो ऐसे फिट हो जाएगा दो बोल्ट के द्वारा, यहाँ से वन और टू। तो ये जो नीचे का इसका एक ये वाला होल दिया गया है, यहाँ से एक पाइप लगेगी जो आपके स्ट्रेनर के थ्रू सम्प में जाएगी, और ये जो ऊपर एक दिया गया है यहाँ से ये यहाँ से ये क्या करेगा, आगे की एक पाइप लगी जो आपका मेन गैलरी में प्रेशर को बिल्ड अप करेगी और मेन गैलरी से आगे आपका प्रेशर पूरे सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो अब काम कैसे करता है, जैसे ही आपने इंजन को स्टार्ट किया, क्रैंकशाफ्ट घूमी और क्रैंकशाफ्ट को घूमने के बाद गियर के अंदर ड्राइव गई और वो ड्राइव गई इस गियर के अंदर। तो ये गियर क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा और घूमने स्टार्ट करने के बाद इसमें क्या है कि अंदर की तरफ एक पंप यहाँ लगा, एक गियर यहाँ पे लगा हुआ है और एक गियर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये गियर जब रोटेशन होगा, ये इस गियर को रोटेशन देगा, तो जब दोनों गियर रोटेशन होंगे तो ये क्या करेगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, जो मैंने आपको नीचे वाला होल दिखाया है ये वाला, यहाँ से जाके जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट के होने की वजह से ये ऑयल को यहाँ पर उठाएगा और इस पंप के अंदर ऑयल आपका भर जाएगा। ऐसे जो सेकंड वाला आपका जो गियर है वो क्या कर रहा है, प्रेशराइज प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और प्रेशर क्रिएट किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर। तो यहाँ से जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से एक प्रेशर के थ्रू ये यहाँ से ऑयल निकलेगा और आगे सिस्टम में एंटर करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक प्रेशर वाल्व दिया गया है यहाँ पे, इसके साथ ही इसको हम प्रेशर को बिल्टअप करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, स्प्रिंग लोडेड वाल्व है। और यहीं से जो प्रेशर जाएगा आपका, एक मिनिमम प्रेशर और एक मिनिमम ड्रेवी रखी जाती है हर एक ऑयल पंप की, सबकी अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं, कितनी कैपेसिटी के अंदर वो ऑयल को आगे सिस्टम में भेज रहा है, कितना उसका प्रेशर है। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं कि मेन गैलरी से एक पिस्टन प्रेशर बिल्टअप वाल दिया होता है, प्रेशर रिलीफ वाल दिया होता है, उसके द्वारा हम प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं उसके अंदर। साथ ही साथ एक ऑयल
फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर के अंदर भी एक प्रेशर वाल्व दिया जाता है। तो ये एक मेन ऑयल पंप का एक कंस्ट्रक्शन हो गया। और ऑयल पंप कैसे काम करता है, तो ये एक ऑयल पंप होता है गाड़ी के अंदर। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ऑयल पंप की मेन जो रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है गाड़ी के अंदर। जो भी स्पेयर पार्ट्स चलते हैं, जब वो आपस में मिलके चलेंगे तो उनके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन होगा उनके अंदर। जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से अगर हम उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं कराएंगे तो वो पार्ट्स आपस में रगड़ रगड़ कर टूट जाएंगे, जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके द्वारा। तो उस हीट को ऑब्जर्व करने के लिए, स्पेयर पार्ट्स को स्मूथली चलाने के लिए ये ऑयल लुब्रिकेशन उसके अंदर रखा जाता है, जिसको पहुँचाने का काम और जिसको पूरा कराने का काम ये ऑयल पम्प करता है। तो ये ऑयल पम्प के बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑयल फिल्टर जब यहाँ से चला जाता है तो ऑयल फिल्टर कैसे काम करता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।